गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट देख रहे हैं। हाईवे इंजीनियरिंग में यूनिट 10, ये लास्ट यूनिट है आपका सब्जेक्ट का, हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का बच्चों। और इसमें हमने आपको पिछला दो वीडियो जो मैंने पीडीएफ भेज रखा है पूरे सिलेबस का अकॉर्डिंग टू वीटी लोड, उसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको पॉइंट आउट कराया बच्चों। और आज के वीडियो में एयरपोर्ट इंजीनियरिंग जो लास्ट यूनिट है बच्चों, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके सामने लाया। तो बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम जेई डिफरेंट स्टेट्स में जो जेई लेवल में एग्जाम पूछे गए हैं, तो वहाँ से जो क्वेश्चन आपको लगभग इस यूनिट से बन सकता है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से वो क्वेश्चन, ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन आपको पिकअप नहीं कर सकता है एग्ज़ाम में आपको डेट टू, लेकिन इसमें से जितने भी अभी आपको मैं ज़्यादा नहीं, कम से कम जितना भी एक दो पेज का पीडीएफ हालांकि मैंने आपको भेज रखा है, उसमें से जो क्वेश्चन आपके लायक है बच्चों उसमें से मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा और आप उसको जो है पॉइंट आउट नोट में, आप जो नोट्स बना रहे होंगे डेट टू का उसमें आप नोट करिएगा, ठीक है। तो आज ये आपका बच्चों लास्ट वीडियो होगा हाईवे इंजीनियरिंग का, और इस लास्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से क्या क्या बन सकते हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ, ठीक है। और आप ये देखकर बच्चों ये मत कि आप ये आरआरबी में पूछा गया, एसएसबी में पूछा गया, जेई में पूछा गया तो ये नहीं पूछ सकता भाई, यही क्वेश्चन जो है जो मोस्ट देन मोर है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है तो वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप करेंगे, ठीक है। और मैं आपको वहाँ पे चिन्हित करूँगा कि कौन सा जो है आपके लेवल का है उसको आपको तैयार करना है, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। तो इसमें देखिए पहला कह रहा है लोकलाइजर पायलट को प्रस्तावित संरेखण के सापेक्ष उसकी स्थिति का संकेत देता है, और दूसरा दे रहा है विकल्पों में सभी सही है, ठीक है, और ये दे रहा है ग्लाइड स्लोप सही ढाल को दर्शाता है, लैंडिंग साइड से रनवे के किनारों को थ्रेशोल्ड दर्शाता है। तो बच्चों एयरपोर्ट के लिए ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, सही मतलब सभी विकल्प सही है, मतलब पहला ये कि लोको साइजर पायलट को प्रस्तावित संरेखण के साथ उसकी स्थिति का संकेत देता है, ये भी सही है, ग्लाइड स्लोप सही ढलान को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा ग्लाइड स्लोप जो है सही ढलान को दर्शाता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जो ऑब्जेक्टिव ये चार ऑप्शन है बच्चों, इसी में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन उठा सकता है, ऐसे जैसे कि एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में ग्लाइड स्लोप का क्या काम है, तो आप क्या कहेंगे उसमें चार ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन दिया रहेगा ढलान को, तो ध्यान रखिएगा किसके लिए प्रयोग किया जाता है ढलान को, समझ में आ रहा है। तो बच्चों जो ऑप्शन होता है विकल्प होता है उस विकल्प से ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि आप एक ही ऑब्जेक्टिव से पांच पांच क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आपको बन सकते हैं, आपके बीटी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लेकर उपस्थित हुआ हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है लैंडिंग साइट से रनवे के किनारे को थ्रेशोल्ड कहा जाता है। अब बच्चों आपको सिर्फ ऐसे दे सकता है, ये क्वेश्चन ना देकर आपको दे सकता है थ्रेशोल्ड क्या होता है, ठीक। तो आप थ्रेशोल्ड क्या होता है, अब यहाँ पे आप देखिए लैंडिंग साइट से रनवे के किनारे को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड कहते हैं, ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया। तो देख रहे हैं ना कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है विकल्प इसमें सभी सही है, ये आपको आपको ऐसे क्वेश्चन जेई लेवल में जो पूछा हुआ है ये आपके ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से आपके में वैसे बहुत कम चांस है बच्चों, मैं इसको इम्पॉर्टेंट में नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मैं जो ये पॉइंट बताया इस क्वेश्चन में लेके आया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है,
ठीक है, थ्रेशोल्ड कहा जाता है एयरपोर्ट में। तो अब आपके माइंड में आ गया हो थ्रेशोल्ड क्या, क्यों कहा, क्यों, क्या होता है थ्रेशोल्ड, ठीक है ना। तो आपको थ्रेशोल्ड क्या होता है, लैंडिंग साइट से रनवे के किनारे को थ्रेशोल्ड कहते हैं। ग्लाइड स्लोप क्या होता है, ढलान कोण को दर्शाता है। तो दो पॉइंट ये क्वेश्चन जो बना आपको, ये आप पेन कापी लिए होंगे आई थिंक, आप अगर पढ़ रहे होंगे बच्चों, मैं फिर कहता हूँ जितने भी वीडियो आप देखिए पेन कापी लेकर बैठिए, उसमें मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए ऑब्जेक्टिव, तो आप ऑब्जेक्टिव नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें आप इस पॉइंट को नोट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रस्तावित सुरंग की सतह पर संचालित यथेष्ट आकार के एक छेद को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट बच्चों उसको आप ज़रूर नोट करिएगा। ये आपके बीटी बोर्ड के अकॉर्डिंग पूछ सकता है बच्चों की, तो नोट कर लीजिएगा। एक प्रस्तावित सुरंग की सतह पर संचालित यथेष्ट आकार के एक छेद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रनवे की अधिकतम लंबाई और फुटपेथ पेमेंट की मजबूती क्या है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा ये भी नोट कर लीजिएगा। रनवे की अधिकतम लंबाई और फुटपाथ पेमेंट की मजबूती क्या है, तो A1 होता है। ध्यान रखिएगा रनवे की अधिकतम लंबाई और फुटपाथ की मजबूती को हम क्या कहते हैं, A1 कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रनवे लंबाई के लिए निम्नलिखित में से क्या संशोधन आवश्यक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें, इसमें आपका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन, ये यहाँ पर आपका है ये वाला क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। रनवे की लंबाई के लिए निम्नलिखित में से क्या संशोधन आवश्यक है, उन्नयन में संशोधन, ग्रेडियंट में संशोधन, तापमान में संशोधन, सभी विकल्प सही है। तो ये ऑप्शन आपको ये सही होगा, इसमें सारा सही है बच्चों, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावित हवाई अड्डा के लिए सर्वेक्षण परियोजना प्रदान करती है, ध्यान रखिएगा बच्चों, मास्टर प्लान, टोपोग्राफिकल, ग्रेडिंग योजना, इनमें से सभी, ये भी सही है, समस्त सही है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। किसी भी जो है प्रस्तावित हवाई अड्डा के लिए जो मास्टर प्लान, क्षेत्रानुकूल योजना, ग्रेडिंग योजना के लिए सर्वोच्च परियोजना प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा। ICAO, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ICAO, मैंने पिछले वीडियो में फुल फॉर्म इसमें बताया था ICAO का क्या होता है, ठीक है, के अनुसार धावन पथ रनवे के सभी निर्देश होते हैं, किसमें होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा ये नोट कर लीजिएगा, वाइट में होता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हरियाणा एस एस जेई UPNL जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके, इसमें जो है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में बच्चों बीटी बोर्ड में पूछ सकता है कि जो ICAO के अनुसार जो है धावन पथ रनवे सभी निर्देश इसके रंग होते हैं, किसके रंग होते हैं, सफ़ेद के होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बड़े जेट वायुयान के लिए नोज गियर के घुमाव को कोण हेतु अधिकतम मान इस तक सीमित होता है, कितना होता है, 60 डिग्री तक सीमित होता है, 60 डिग्री, ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट, गेट की क्षमता का पता लगाने के बयान सभी वर्गों को उपलब्ध के नीचे विवरण दिए गए हैं, ये आप छोड़ दीजिए, आपके लेवल में नहीं है बच्चों, जो आपसे पूछ सकता है मैं उसी को फोकस कर रहा हूँ, ये भी आप अपना फोकस करिए, ये भी आई थिंक नहीं पूछेगा, आपके लेवल में नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, ठीक। चलिए देखते हैं। एयरपोर्ट रनवे के लिए उपयोग किया जाने वाला ग्रेड बिटुमन है, ध्यान रखिएगा एयरपोर्ट के लिए जो बिटुमन का ग्रेड होना चाहिए वो 30 से 5 40 होना चाहिए, एयरपोर्ट रनवे के लिए उपयोग किया जाने वाला ग्रेड जो है 30/40 होता है, ध्यान रखिएगा। ये ठंडे स्थानों पर रोड के पृष्ठपरेपण के लिए 100/120 विधान वाला बिटुमन ठीक रहता है, जबकि अतिरिक्त गर्म ऋतु में 60-70 ग्रेड अपनाया जाता है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बार बार फोकस कर रहा हूँ, पूछ सकता है, एयरपोर्ट के लिए 30-40 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखिए, वायुयान की सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये भी एयरपोर्ट में इंपॉर्टेंट है, ये हैंगर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। वायुयान की सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, हैंगर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी वाहन को वक्र पर पलटने से बचाने के लिए वक्र का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन जो है नोट कर सकते हैं,
ध्यान रखिएगा ये ट्रांजिशन कर्व होना चाहिए इसमें, ठीक। इसमें आप जो है ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला भी नोट कर लीजिएगा। ट्रांजिशन कर्व होता है किसी वाहन को वक्र पर पलटने से बचाने के लिए वक्र का प्रयोग किया जाता है, क्या आंसर होगा, ट्रांजिशन वक्र होता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चों आपको नहीं पूछेगा बस, ठीक है आपके अकॉर्डिंग। अब ये देखते हैं ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, इसको भी इम्पोर्टेंट रखिए, पूछ सकता है। चलिए हवाई अड्डे में अभी मान्य दौड़ पथ की स्थिति के द्वारा प्रभावित होगी। तो ध्यान रखिएगा प्रचलित वायु की दिशा, समुचित लंबाई, बाधा रहित अवतरण व विद्रुप स्थान, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इसमें ए ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो अभी मैंने आपको बताया, जितने भी मैंने आपको बताया बच्चों कि ये आप नोट कर लीजिएगा इम्पॉर्टेंट लिखा था, उनको ज़रूर आप जो है रिपीट कर लीजिएगा एक बार। इस यूनिट से जो है इतने जो है क्वेश्चन तो पूछ सकता है, बन सकते हैं, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पेपर होने वाला है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग बच्चों, ठीक है बच्चों। आई होप आप सभी लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे, और जितना भी मैंने आपको वीडियो PDF प्रोवाइड किया है, भेज दिया है ग्रुप में बच्चों, एक बार ज़रूर अच्छे ढंग से स्टडी करिएगा, और एग्ज़ाम देने से पहले एक बार आप ज़रूर जो है वीडियो को आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, और जो है कि उसमें जो मैं ऑब्जेक्टिव को बता रहा हूँ कि आप पूछ सकता है, उसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। और जितने भी ऑब्जेक्टिव मैंने भेजा है, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको रिपीट कर आप जो है अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा बच्चों, और आई थिंक आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे, ठीक है। आज का वीडियो हम यहीं पेंड करेंगे, और ये आज आपकी हाईवे इंजीनियरिंग की लास्ट वीडियो थी बच्चों। तो अब आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, आई होप आप बहुत ही अच्छा नंबर लेके आएंगे। धन्यवाद बच्चों।